All right, so from Durga Puja there in Kolkata to Ram Leela celebrations here in Delhi, and the Dashera celebrations at the Ram Leela Maidan are one of the oldest and most traditional celebrations. And the Love Kush Ram Leela is a much anticipated event. NDTV's Sharad spoke with veteran actor Mukesh Rishi, who is playing Ravan this year. Listen in. अपनी रामलीला को चर्चित बनाने का या फेमस बनाने का एक तरीका ये भी होता है कि जो फेमस कलाकार होते हैं, चाहे वो टीवी के हों चाहे वो फिल्म के हों, उनको भी आमंत्रित किया जाता है कि वो रामलीला में आएं और अभिनय करें। तो लवकुश रामलीला में इस बार मुकेश ऋषि जी को जो है रावण का किरदार करने के लिए बुलाया गया। आपने बहुत सी फिल्मों में मुकेश ऋषि जी को देखा होगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिल्मों में भी कुछ इस तरह का ही रोल रहता है आपका, और यहाँ पर रामलीला में भी आपको लगभग कुछ इस तरह का ही रोल मिला? नहीं, फिल्मों में और स्टेज में बहुत फर्क है। शायद इसलिए मैं ये चुनौती लेता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, एक डिफरेंट चीज़ होती है मेरे लिए। और इसकी मेहनत बिल्कुल अलग है सिनेमा से, तो इसीलिए एक बार पहले भी मैंने किया था इनके साथ में। मुझे इनका सिस्टम बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्रोफेशनली करते हैं, बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो उसी में मुझे लगा कि ये करना चाहिए, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें। ठीक है सर, बहुत से लोग आज फिल्म टीवी और अपने मोबाइल पे ही सब देख के संतुष्ट हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोगों को आप बताइए कि क्यों आज भी जो हैं ये रामलीलाएं जो हैं जरूरी हैं, तभी आप ये मंच पर पब्लिक के बीच में आके कर रहे हैं। वरना तो फिल्म में तो होता ही है, टीवी में तो होता ही है, पर क्यों आज के समय में भी ये रामलीलाएं बहुत ज़रूरी हैं? देखिए, इसमें सबकी कोशिश यही रहती है कि किसी तरह अपना कल्चर समझा जाए, हमारी जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उनको समझा जाए। अब हम कहानियां देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, लेकिन रामायण से बड़ी कोई भी सत्य कहानी नहीं है। महाभारत भी उनमें से है। अब ये रामायण की चीज़ें अगर बच्चों तक नहीं पहुंचती, ये इसका माध्यम है।